हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आई एम नेहा वर्मा एंड टुडे वी शैल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर ट्वेल्व एयर एंड वाटर सो स्टूडेंट्स एयर एंड वाटर दोनों ही हम लोग के लिए जरूरी है ठीक है अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर हम रहते हैं और वहां दोनों ही चीजें प्रोवाइडेड है दोनों ही चीजें हमें प्रोवाइड होती है एयर भी एंड वाटर भी सो वॉट इज एटमोस्फेयर सो इफ वी टॉक अबाउट एटमोसफेयर तो एटमॉस्फेयर एयर की वह लेयर है जो अर्थ को कवर किए रहती है वह क्या कहलाती है? So यानी पृथ्वी हमारा घर है ये वह प्लैनेट है जहां पर हम रहते हैं इट इज द ओनली प्लैनेट विच हैज एयर एंड वाटर दैट इज वाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ एंड नॉट ऑन द अदर प्लेनेट अर्थ पर ये दोनों ही चीजें एयर एंड वाटर वहां पर मिलती है और दोनों ही चीजें हमारे लिए जरूरी है इसलिए लाइफ भी वहां पर क्या है पॉसिबल है जबकि अगर हम अदर प्लैनेट्स की बात करें तो अदर प्लैनेट्स लाइक जुपिटर लाइक वीनस इन सब पर लाइफ पॉसिबल नहीं है सो द थिक लेयर ऑफ द एयर दैट सराउ द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफेयर इट मीन की एयर की वह लेयर यानी परत जो अर्थ को घेरे रहती है उसको कवर करती है इज कॉल्ड द एटमोसफियर स्टूडेंट्स एटमोसफेयर की फाइव लेयर्स होती हैं सो देयर आर आर फाइव लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर एंड दीज आर ट्रोपोस्पेयर स्ट्रेटोस्पेयर मैसोस्फेयर थर्मोस्पेयर एंड एक्सोस्पेयर ठीक है so आगे हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे नीचे की लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्पेयर इससे ऊपर स्ट्रेटोस्पेयर उससे ऊपर मैसोस्फेयर फिर थर्मोस्पेयर और लास्ट में एक्सोस्पेयर ठीक है तो ये कुछ एटमोसफेयर के लेयर्स थी अब हम इनको डिटेल स्टडी करते हैं सो फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर एटमोस्फेयर के सभी लेयर्स में सबसे निचली परत है हाउ एवर द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर वेर ओवर द अर्थ हालांकि जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है उसकी हाइट अर्थ से ऊपर लाई करती है ठीक है एंड दिज अर इन विच क्लाउड आर फॉर्म्ड एंड वेदर चेंजेस टेक्स प्लेस इट मीन्स कि ये वह लेयर है जहाँ पर बादल फॉर्म होते हैं जहाँ पर बादल बनते हैं और मौसम बदलता है इवन इन ट्रोपोस्फेयर एयर गेट्स वेरी थिन हायर अप एंड ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट मतलब ट्रोपोस्फेयर में भी हाइट uh, के साथ साथ जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर की कमी होने लगती है और वहाँ पर सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है दैट इज माई क्लाइंबर्स टू माउंट एवरेस्ट टेक एयर इन सिलेंडर विद देम फॉर ब्रीथिंग सो स्टूडेंट हियर ट्रोपोस्पेयर एंड स्ट्रेटोस्पेयर इज शोर्न बिलो ट्रोपोस्पेयर की जो लेयर है वो ऊपर टेन किलोमीटर तक फैली हुई होती है एंड टेन किलोमीटर से फिफ्टी किलोमीटर के बीच स्ट्रेटोस्पेयर की लेयर होती है ट्रोपोस्पेयर में क्लाउड्स फॉर्म होते हैं यानी बादल बनते हैं सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्रेटोस्पेयर सो इन स्ट्रेटो स्पेयर जेटेरोप्लेन यूजअली फ्लाई इन अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द स्ट्रेटो जहाँ पर एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं एंड दिस लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट किलोमीटर टू फिफ्टी किलोमीटर अब अर्थ जो ये लेयर है स्टेटो वह टेन किलोमीटर से फिफ्टी किलोमीटर तक फैली हुई है देयर इज वेरी लिटिल एयर इन द स्टेटो स्पेयर यहाँ पर बहुत कम एयर होती है दैट इज वाई कैबाइंस ऑफ जेट एरोप्लेन्स आर फिल्ड विद एयर एंड विंडोज आर कम्पलीटली सील्ड बिफोर द एरोप्लेन फ्लाइज मतलब एरोप्लेन के फ्लाई होने से पहले ऊपर उठने से पहले ही उसके विंडोज एंड उसके दरवाजे कम्प्लीटली बंद कर दिए जाते हैं नेक्स्ट द थर्ड लेयर इज मैसोस इट इज अबाउट 50 टू 80 किलोमीटर अब अर्थ सरफेस ये अर्थ के सरफेस से ऊपर 50 से 80 किलोमीटर के बीच फैली हुई होती है टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इट मीन्स की ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज यानी घटना शुरू कर देता है एल्टीट्यूड कहता है हाइट को ठीक है नेक्स्ट थर्मोस्फीयर थर्मोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 90 टू 500 किलोमीटर अब द अर्थ अर्थ सरफेस अर्थ की सरफेस से ऊपर ये 90 से 500 किलोमीटर तक फैली हुई है द स्पेस शटर्स ऑर्बिट इन दिस रीजन एंड द लास्ट लेयर इज एक्सोस्फीयर एक्सोस्फीयर जो सबसे ऊपर लाइक करती है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप टू थाउजेंड ऑफ किलोमीटर इट हैज वेरी थिन लेयर ऑफ एयर मतलब सबसे ऊपर के लेयर आउटलेयर एक्सप्रेसफेयर होती है जो बहुत ज्यादा मतलब हजारों किलोमीटर तक फैली हुई होती है इट हैज वेरी थिन लेयर ऑफ एयर सो स्टूडेंट्स इट वॉज अबाउट द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस कि एटमोसफेयर जो वायुमंडल होता है वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है हमारी कैसे रक्षा करता है ठीक है सो हियर द फर्स्ट पॉइंट इज इट हैज ऑक्सीजन विच वी यूज टू ब्रेथ एटमोस्फेयर एटमोसफेयर बेसिकली है क्या एयर की वह well लेयर जो पूरी अर्थ को कवर किए हुए है और एयर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है तो उसमें ऑक्सीजन भी है ऑक्सीजन जिस जो हमें सांस लेने के लिए जिसकी जरूरत होती है

हीट का यानी ऊष्मा का बहुत बड़ा पार्ट अर्थ पर पहुंचने से रोकते हैं नेक्स्ट कंटेन्स अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन इट हार्मफुल रेज ऑफ सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ स्टूडेंट्स एटमोस्फेयर के स्टेटोस्पेयर लेयर में गैस की एक परत होती है जिसको हम ओजोन कहते हैं आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी प्रोटेक्शन करती है हमें प्रोटेक्ट करती है सो so, इट प्रिवेंट्स हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ मतलब ये सन से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है सो हियर द डायग्राम दोन और जो लेर अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर यानी अर्थ पर पहुंचने से रोकती है सो स्टूडेंट्स कीप इट हर फॉर टूडे एंड इन द नेक्स्ट क्लास वीच शेल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर सो टिलइसिंग केयर